देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने शुरू में आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की नंबर एक पार्टी है, हमारा विशालतम परिवार है और भाजपा वो पार्टी है जिसको मैंने एक बार फिर आपको कहा और कह रहा हूं, मैं जिम्मेवारी का साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, भाजपा का कार्यकर्ता अनुशासित है। जहां तक प्रश्न है चुनाव लड़ने का लड़ाने का, वो अभी जब तक टिकट फाइनल नहीं होता तब तक मैं सबको कहता हूं, क्योंकि हम राजनीतिक क्षेत्र में हमारा कार्यकर्ता काम करता है, कोई पार्षद बनेगा, कोई सरपंच बनेगा, पंचायत समिति जिला परिषद जो चाहे जो चुनाव में डिमांड करो करने की छूट है। लेकिन जिस समय भारतीय जनता पार्टी के जिसको कमल हाथ में है, उस कमल के बाद में भाजपा एक मुखी ही है, निश्चित है। अब आप कहेंगे साहब अभी आपने टिकट वितरण किया, हाँ हमने किए, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि जिस दिन जिस रात में ये घोषणा हुई 41 की, उसके दूसरे दिन ही हवाएं उड़ गई कांग्रेस की, बेचैन हो गए, उन्होंने को हो क्या गया, उन्होंने अपनी नीति में बदलाव कर लिया, कह रहे थे हम परिवर्तन करेंगे, हम कह रहे हम उन्हीं को देंगे, हम तो कहते हैं बिल्कुल देवो उन्हीं भ्रष्टाचारियों को। इसलिए मैं कहता हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी एक मुखी है, एक साथ है, हम सब मिलकर के भाजपा के लिए लड़ेंगे, कमल के लिए लड़ेंगे और यहां पर कमल खिलाएंगे, भाजपा का शासन। 41 सीट में से सर, जो 41 जो टिकट जारी किए हैं उनमें से ये बताया जा रहा है कि जो 20 टिकट हैं वो वसुंधरा खेमे के जो नेता हैं उनके काटे गए। एक मैं आपके इन शब्दों से बिल्कुल जो है सहमत नहीं हूँ कि खेमा, भाजपा में कोई खेमा नहीं है, यहाँ खेमा है कमल, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही है। वसुंधरा राजे जी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, संपूर्ण नड्डा जी के बाद में कोई बड़ी नेता है तो वसुंधरा राजे जी है। हमारे यहाँ नीति निर्धारण करना कर्ता की टीम की माननीय वसुंधरा राजे सदस्य है। इसलिए खेमा खेमी भाजपा में नहीं है, हम घोषणा नहीं कर रहे हैं, हम धरातल पर जी रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए 2019 का लोकसभा चुनाव, कितने विधानसभा आगे थे, 6-7 में तो हम पहले ऑलरेडी यहाँ रह चुके हैं, विधानसभाओं में 6 विधायक रह चुके हैं। इसलिए भाजपा हर घर के अंदर है, हर घर के अंदर, ये मैं आपको कहता हूँ। और तो और यहाँ की जनता त्रस्त बहुत है जी, आपके पास आप ये पूछिए कि आपके भरतपुर के रहवासी आप लोग ईमानदारी से पत्रकार से थोड़ा एक तरफ हटके बात करके आप बताइए, क्या आप भी संतुष्ट है क्या, यहाँ की जनता कितनी त्रस्त है, क्या हो रहा है राज, ऐसा राज होता है क्या? हमने जब ये आपको कहा है कब नहीं बनी हुई कमेटी, मैं तो ये कहता हूं कि आपका एक परिवार है उसमें भी छोटा सा फंक्शन, उदाहरण दूंगा, छोटा फंक्शन शादी ब्याह हो गया, एक ही परिवार एक खून है, उसके बावजूद भी हम मनुष्य है, वैचारिक मतभेदता हो सकती है विचारों की, लेकिन मन के भेद नहीं है भैया। आपको आप कह रहे हो घर जाना पड़ा, और घर जाने का अर्थ क्या हुआ जी, हमारे यहाँ सारे नेता कार्यकर्ता है, सारे कार्यकर्ता नेता है, हम बार बार कह रहे हैं हम आपस में मिल बैठकर ही निर्णय करते हैं, उसके बावजूद भी कहीं है तो तुरंत जाकर के बात करके और साथ लेकर के, नरपत सिंह राजवी जी का पत्र भी आपने पढ़ लिया होगा जिन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा कि मैं भाजपा का हूँ, माननीय भैरव सिंह शेखावत जी ने इसको खड़ा किया है, मैं साथ रहूंगा, ये नरपत सिंह जी का पत्र है। उसमें देखिए मैंने आपको कहा इतना बड़ा परिवार है, अगर किसी ने कोई इस्तीफा दे दिया है तो भाजपा के अंदर हम स्वतंत्र है, आने के लिए भी जाने के लिए भी, किसी को बांध के कहीं रख सकते नहीं, इसलिए इसकी ये तो कोई प्रश्न नहीं हुआ। हम तो ये कहते हैं आने वालों का लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है, बहुत क्यों लगी है ये? आप भगदड़ की बात कहते हो, मैं कहता हूँ इतनी बड़ी संख्या में नेता छोड़ छोड़ के कांग्रेस को हमें तय करना पड़ रहा है किसको लेना किसको नहीं लेना, इतनी बड़ी संख्या में और जुड़ रहे हैं पार्टी से, सबको तय हो गई ये भाजपा आ रही है जी, निश्चित ही आ रही है।